आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी, मुझे ये चीजें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉपआउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमिडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई, तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्जेशन की राखी बोल रही थी रितेश को, ये सॉरी रितेश राखी को बोल रहे थे कि इस ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताए ये मेरे जिंदगी के बेस्ट दिन हैं, पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ, मैं फेस भी नहीं कर पाया। माई आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए बींग अ हस्बैंड की राखी क्या क्या है ये, वाई दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से, जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था, और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी, और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगली प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल, तो मैं क्या प्रूफ करूं, मैं क्या सोचूं एज अ प्रूफ, सिंगल तो सिंगल, वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार, हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव दैट, मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव राखी कि वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर, आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। भाई एक मिनट इधर देखिए, ये प्रॉपर नोटरी भाई इधर, यहाँ पे यहाँ राखी शादी शुदा, शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट, तारीख क्या है उसकी, तारीख इज 11/11/2019, ऑफकोर्स नो, द वर्ल्ड आल्सो वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, एवरीबॉडी इज अवेयर, यस, राखी सावंत ने बाहर आने के बाद, नहीं बाहर आने के बाद राखी ने कहा था कि वो शादी मैंने नहीं की है, उन्होंने एक रील टू रियल कुछ इंटरव्यू आप जाके यूट्यूब में देख सकते हो, उसमें साफ साफ कहा है राखी ने कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं थी। तो आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और आपने उसको लीगली या फिर किसी भी प्रकार से एविडेंस छानबीन नहीं किया? एक तो मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज मेरी बीवी है, दूसरा जब हमारी शादी हो रही थी अंधेरी कोर्ट में रजिस्ट्रार के सामने भी राखी ने लिखा था स्टेटस में सिंगल, ये नहीं लिखा था डिवोर्सी, ये नहीं लिखा था मैरिड, ये कुछ भी नहीं लिखा था, सिंगल लिखा था। वो कॉपी है आपके रजिस्टर्ड? ऑफ कोर्स है, मैरिज एप्लीकेशन नहीं, उसमें जो सिंगल लिखा था रितेश के साथ उनका डिवोर्स हो चुका था? नहीं डिवोर्स नहीं हुआ था, और लीगली भी जब तक आप प्रीवियस हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स नहीं लेते हैं दूसरी शादी आप नहीं कर